उससे मदिरा पान पी करके डांडिया बजाने से यदि देवी प्रसन्न हो जाती है तो इतने शास्त्र पुराणों की रचना करने की क्या आवश्यकता होती है। आपको लगता है कि मदिरा पी करके डांडिया खेलने से देवी प्रसन्न हो जाएगी? हाँ या आपको क्या लगता है प्रसन्न होगी? और डीजे बजा करके फालतू के गाने गा कर भगवान को पवित्रता के साथ कुछ वस्तु दी जाती है वो उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सब ज्ञान से जब जनता रहित हो गई वेद व्यास को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कम बुद्धि लोगों के लिए स्त्री के लिए स्त्री वैश्य और शूद्र त्रैण और शुद्धि गोचर इनको वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों में इतने क्लिष्ट शब्द है उनकी संरचना इतनी डिफिकल्ट है उसको समझना बहुत मुश्किल। अधिकतर लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है कैसे समझेंगे। इसलिए वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है जो यहाँ रखा हुआ यहाँ मेरे पास। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता से अंतर है। गीता महाभारत की एक छोटी सी पुस्तिका है मात्र 18 अध्याय वाली गीता है 700 श्लोक है मात्र। ये महाभारत की एक टुकड़ी है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो नहीं जान पाते कि गीता क्या होता है और भागवत जी क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता एक महाभारत का अंश है जिसमें मात्र 18 अध्याय है और मात्र 700 श्लोक है छोटी सी पुस्तिका। ये आजकल गीता प्रेस वालों ने ये बना रखा है श्रीमद् भागवत गीता है। इसका बड़ा घर भी है पर छोटे में इसमें 700 श्लोक है गीता है। परंतु श्रीमद् भागवत इसमें 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक माने संस्कृत की रचना है। जैसे ये देखो हमारे को दिखाते हैं ये देखो कितना है बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा ऐसे 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक 335 अध्याय है। अच्छा आप लोगों ने सुनने की कैसी हिम्मत करी कि 7 दिनों में 1.5 घंटे में हम पूरी भागवत कथा सुनेंगे। 18,000 श्लोक और देखो आज की प्रैक्टिकल देखो कहीं भी जाते हैं लोगों में इतना आलस्य है या तो कहीं कुछ व्यवस्था में पहले से सब व्यवस्था करके रखना चाहिए। कथा जो 3 घंटे का होना गया ना तो उसके लिए पूरा पूरा समय मिलना चाहिए। इसको कहते हैं बहु आडंबर लोगो क्रिया। जिसके लिए प्रोग्राम है वो घंटा बाकी दुनिया भर का नाटक है उससे नहीं चलेगा। उसे जो मूल तत्व है उससे आप दूर चले जाओगे। आपने बहुत सब्जी जोड़ कर लिया लेकिन उसमें नमक नहीं डालोगे तुम्हारे सब्जी में कोई स्वाद नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए सुनने जानकारी के लिए ज्ञान प्राप्त के लिए सबसे मुख्य साधन है हमारे काम इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं 18,000 श्लोक वाला जो श्रीमद् भागवत है जिनमें 335 अध्याय है और बिना संस्कृत के जानकारी ये जो वक्ता यहाँ बैठ करके 1.5 घंटा बोलेगा और पूरी भागवत आप समझ लोगे आप? हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझ रहे हैं? हाँ करो या ना करो कुछ ना कुछ तो करो। हाथ उठाओ अरे भले आदमी अब हाँ करो या ना करो। मैं कह रहा हूँ 18,000 श्लोक है उसमें मात्र 2-5 घंटे का वक्त है
उसको सुनोगे। नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, उसको नहीं समझ सकते। सीधी सी बात है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं जो लोग यहां आकर के। मैं बार बार कह रहा हूं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, हमको आपसे मतलब है। क्यों मतलब है? आप हमारे भगवान के संतान हैं, आपको समझाना और सही रास्ते पे ले आना ये हमारी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं है। आपके लिए नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं कि आप हमारे भारत की प्रजा हो, उनके देश की प्रजा हो, उन्हें सोचेगा तो कौन सोचेगा? राजा ही सोचेगा। तो राजा, नेता, साधु, गुरु, वैष्णव ये जनता के बारे में सोचते हैं, उनके भलाई के बारे में। इसीलिए जो लोग पूरी पूरी आप लोग हिंदुकारी कथा मंगलाचरण ये उम्र के, उनको क्या फर्क पड़ता है? आएंगे कहकर के चले जाएंगे, तुम समझो चाहे ना समझो, थोड़ा बहुत भजन चक्की में गवा देंगे, आप लोग डांस करवा देंगे, हो गया काम जी, भागवत हो गई, आप भी खुश हो गई, खुश दक्षिणा लेके चले। लेकिन इतने में हम संतुष्ट होने वाले नहीं। इनसे पूछिए हम दक्षिणा तय करके नहीं आए, पूछ लीजिए मंच पर से हम बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मुझे इन लोगों ने 20 बार पूछा, 20 बार मैंने करना। सो इसलिए मैं आपका हित चाहता हूं, वेदव्यास भी आपका हित चाहते हैं, संत महात्मा सब चाहते हैं, गुरु नानक जी चाहते हैं, कबीर चाहते हैं, चैतन्य महात्मा चाहते हैं। वेदव्यास चाह करके पुराणों की रचना करें ताकि हम इसको समझें। तो श्रीमद् भागवत श्रवण माने ये जो सप्ताह विधान किया जाता है, सुनो और समझो, इतनी सी बात है। आप बच्चों को कॉलेज भेजते हो, स्कूलों में भेजते हो, विद्यालय में, किसके लिए? लिसन एंड लर्न। क्या करने के लिए भेजते हो? क्या करने के लिए? मैंने क्या कहा? लिसन एंड लर्न। ऐसा नहीं कि बच्चा जाकर स्कूल में बैठ जाता है और मास्टर जो भी आता है कहते हैं बच्चा चुप शांत है, क्या उसको आप अच्छा मानोगे? ना, मास्टर ने जो कहा उसको सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। लेसन लर्न देन एडप्ट, सुनो समझो और अपना करो, तब काम करेगा। ऐसा नहीं कि आए बैठे बस अपन सुनते थे, सुनो समझो और अपना तब काम बनेगा जी। ऐसा नहीं कि आप आ गए और ठीक है, वो जब पंगत बैठेगी तब आगे काम कर चल देना ना। भोग लगाने का भी विधान है, भगवान ऐसे नहीं खाते। और गीता में साफ साफ कहा गया, साफ साफ कहा गया, जो मुझे अर्पित किए बिना भोजन करते पाप खाते हैं, भूंजते तो अहम पाप आज पक्षी आत्मकात्मा। तुलसी पत्ता डाले बिना, भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वो पाप खाता है, और जो पाप खाता है पाप करता है, ना इस जीवन में उसको सुख मिलेगा ना अगले जीवन में सुख मिलेगा, बिल्कुल कोई चांस नहीं। नो हैप्पीनेस नो चांस पर हैप्पीनेस नो चांस। इसीलिए माता हूं मेरे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि मैंने इससे कह दिया, जो मैं कहूंगा उसको समझो, हमारे ऊपर दबाव मत डालो कि हम यहां से मार कर कहते कह देंगे हमारे बाएं हाथ रखे नहीं। धुंधुकारी से जाकर जी पहुंच जाएंगे कहां तक? कपिल उपाख्यान में इस सूची को गिना ना, ये हुआ ये हुआ ये बोला ना, दैट विल नॉट बी सो हेल्पफुल फॉर यू, नेवर बी बेनिफिशियल आपके लिए, वो बिल्कुल हितकारी नहीं। इसलिए ये जो व्यास होता है यहाँ जो बैठता है,
उसकी जिम्मेदारी है जनता को जागरूक करें। क्या करें? जनता को जागरूक करें। ये नेता का काम है, व्यास का काम है, ये काम ऐसा नहीं कि बस इसलिए यहां पर जो सत्र है, मैंने कहा जो क्लास है, ये जो ये भागवत की कक्षा है, इसमें आपको बहुत ही गहरी चीज दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ये सत्र जो भागवत का सत्र लगता है, इसमें मुख्य तत्व होता है भगवान क्या है, हमारे साथ भगवान का संबंध क्या है, हमको क्या करना है। ये तीन बात याद रखो, भगवान क्या है, अथवा हम इसको पांच बात कर सकते हैं, भगवान क्या है, हम कौन है, हमारे साथ भगवान का रिश्ता क्या है, ये दुनिया क्या है, दुनिया के साथ हमारा रिश्ता क्या है। कितनी बात? पांच हो गए। Who am I? Who is God? And what is the relation between He and me? Okay? And what is this material cosmic manifestation? ये दुनिया क्या है और दुनिया के साथ हमारे ताल्लुक क्या है? इतनी सी बात। लेकिन वो तो नहीं समझोगे। हमने सात बार भागवत सुनी, हमने विष्णु बार सुनी, सो इसका क्या मतलब है? कोई खाएगा? हम खूब कभी खाते हैं जी, लेकिन बाजार में 25 किलो है, उससे क्या फायदा मिलेगा? यदि खीरा खा करके आपके आपकी ताकत बनती है तो खीरा बेटर है। इसलिए आज हम थोड़ा सा कहेंगे, एक श्लोक पर समझा देंगे। भागवत का प्रथम श्लोक यह है, भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की पूजा करने से, भगवान की भक्ति करने से लाभ क्या होगा उसको बताते हैं। ध्यान देना चाहिए, श्रीमद् भागवत की महिमा जिसमें धुंधुकारी की कथा है और जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है, वो प्रसंग लिया जाता है पद्म पुराण से और 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत की महिमा कही गई। ये प्रथम दिन महिमा इसलिए कही जाती है, जनता को आकर्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है? जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं, आपका प्यार नहीं होगा और आप उस वस्तु को पाने के लिए आपके भीतर लालच पैदा नहीं, इसलिए महिमा कही जाती है। धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, उसका उद्धार हो गया, वो आत्मदेव ऐसा भागवत का पाठ किया, उसका उद्धार हो गया। और धुंधुली जो स्त्री थी, जिसने अपने पति को धोखा दिया, वो भी धोखे में गई, कुएं में गिर करके मर गई। इसको सुन गए, सुन करके फिर कोई काम थोड़ी करूंगे। और धुंधु करे जिसने अपने मां को जलती हुई लकड़ी से पीटा था, ध्यान देना, धुंधुकारी जिसने अपने मां को जलती हुई लुकाठी से लकड़ी से पीटा था और वेश्याओं ने उसके मुंह में जलता हुआ अंगार को ठोस ठोस करके उसको मार दिया, ये है कर्म की गति। को गुणों काव को सुख दुख कर दाता, नीचे कर्म वो भागवत पद्म पुराण है, इसलिए ये महिमा कही गई है कि आप इसको सुन करके भागवत के प्रति आपके चित्त में आकर्षण पैदा हो जाए। यस, इसको सुनना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई ये सब जो चीजें है ना, ये भागवत के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ करके देख लिया। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं और इसी गाथा समझते हैं। सभी हाथ जोड़िए, सच्चिदानंद तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय।
करने से पहले नमस्कार करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण माने भगवान का स्मरण, गुरु का स्मरण, वैष्णव का स्मरण। यदि आप प्रातः काल उठ करके भगवान का दर्शन करते हो तो तुम्हारा मंगल होता है, इसलिए मध्य यादियों में जाना चाहिए, उसको मंगलाचरण कहते हैं। बट वर्तमान के लोग उसको भूले जा रहे हैं। जो व्यक्ति सवेरे उठकर के गुरुद्वारा में जाता है उसका मंगल होता है। जो व्यक्ति प्रातः काल जग करके मंदिर जाकर भगवान के चरणों में पत्थर टेकता है उसका कल्याण होता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके माता पिता रूपी भगवान को गुरु को प्रणाम करता है उसका कल्याण। पहला दिन इतना ही सीख कल करके आओ। स्त्री पति को नमस्कार करे, बच्चे अपने पिता माता को प्रणाम करे, सबको लेकर के मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मत्था टेको, इसको कहते मंगलाचरण। मंगलाचरण के बिना जीवन में मंगल आए। सवेरे उठ करके नियोज पढ़ोगे क्या मंगल होगा तुम्हारा?